बिल्कुल लड़ाकू विमान है, बिल्कुल लड़ाकू विमान। तो तुम्हें मेरी जैसी नहीं मिलेगी दुनिया तो में भी। तू पागल हो गई का? हाँ, अब तुझे अंदाजा नहीं अब मैं मेरे। पांचवे छठवे नंबर की ढूंढेंगे वो भी तेरे जैसी। तुम मुझे बता, अब तेरे जैसी मैं कहा ढूंढेंगे? 10 साल तेरे संग मैंने रह लाओ तो मैं ढूंढेंगे भी तो तेरे जैसी। कैसी बातें करते यार, बुद्धिहीन। अलग से ढूंढेंगे अब मैं तो मेरे। अलग से ढूंढेगा ना तुम, फिर तुमसे वो झाड़ू लगवाएगी। हाँ झाड़ू लग, झाड़ू पहुंचा तो प्यार के हिस्सा है, पत्नी की सेवा तो प्यार के हिस्सा है। तो बाबा तुम्हारे रिश्तेदार सब कहते हैं। कैसी कहते तेरे हाथ में तू कछुत राख ले तो जो छोड़वे वाले हो। ऐसी नहीं, ये नहीं हो सकता भाई साहब। बैंक बैलेंस फुल नजर आएगा तुम्हारा। नन्या कुत का बीस भी नजर आएगा। अरे अबे नहीं आएगा तो का, बाद में तो आएगा। दोनों आदमी अपने मार देंगे। अरे तो भाई मार देंगे, बीमा पैसे मिलेंगे। कौन ले हो? तू मैं चली गई तो मिला कोई नहीं रहा तो तू भगवान ले हो? भगवान का करे ट्रस्ट, ट्रस्ट में जाएंगे पैसा, देश में जाएंगे पैसा, देश की सेवा में लगेंगे पैसा। देखो मरना जीना तो ईश्वर के हाथों में है, टेंशन मत किया करो। टेंशन नाम की कोई बीमारी अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए, खुश रहा करो। मैं कितना खुश रहता हूँ। तुम तो रह गई खुश खा रहे हैं। अरे तो भाई मुझे कोई नहीं जानता था, आज दुनिया जान रही है, खुश होने की बात नहीं है। माला पहना रहे हैं लोग रास्ते में, रोक रोक के सर कह रहे हैं, सेलिब्रिटी दे रहे हैं, जगह जगह मुझे यूट्यूबर कह रहे हैं। ये इतनी उपलब्धि प्राप्त कर ले ये कम बात है, है? वो तो वो वाली बात है कि कछु नहीं है तो तब भी नाराज, और आज दुनिया पे सलाम कर रही है तुम जब भी नाराज। तो वो सही कह रहे हो तो वो कपड़ा वालों तुम्हारा नाम क्या है? औरत। और हर चीज तुम्हें और चाहिए, तुम्हें कोई समझने वाला पहन देंगे भगवान। कहाँ कपड़ा वार के नहीं कह रहे तो कसम पड़ पड़ा। औरत कौन? वो कपड़ा वाला कपड़ा ले भी गए थे अपन। सो बाकी दे रहा हूँ काम वो तो वो कह रहा हो ना, वो सही कह रहा हो तो। औरत कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि औरत की बुद्धि घुटनों में रहती है। हाँ तो पहले अपने घर में देख लो, जब बाद में दूसरे को बात करो। जो आदमी औरत की बुराई करता है वो घर से बहुत दुखी रहता है भाई साहब, ये ध्यान रखना। तो ये कोई बात नहीं हो सकता है, जब बात है वो काय कर रहा तो फिर बुराई, वो बुराई इसलिए कर रहा था वो घर थप्पड़ खा के आओ तो झूल बातें करती है। मैं बिनकी, मैं गायक, गायक में कलाकार में विलन को रोल मिल रहा हूँ। वो कह रहा तो एक जनो कि तुम्हें विलन को रोल दे दें। मैं विलन? हाँ तो हीरो तुम बन नहीं सके, विलन नहीं बनोगे। तू तो वो गानों गा रही थी, मैंने हीरो ना बनना विलेन रहन दे, नहीं गा रही थी तो भैया कर मुझे एक जन विलन को रोल दे रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ विलन को रोल करके, हीरो बनना बनना विलेन रहन दे, बदमाशी बदमाशी रहन दे। ऐसे मत देखे गुन्ना के, गुन्ना के देख में कुछ नहीं हुई, मेरे कुछ नहीं हुई वालों। तुम तो कुछ हुई नहीं सके। अरे अब ठीक है यार, कछु रहना हो गए, 50 साल की उम्र होने वाली है। तो हमारी तो पूरी डलिया है उम्र भाई। अरे तो भैया पूरी डलिया कहा है? पूरी का डलिए पूरी है? हम तो अभी 35 साल की भाई ना, तो 100 साल जिएगी का? काय बेचो तुम कितने जल फुकड़े हो गए यार, मैं तुम्हारी दुआएं तू जिए हजारों साल ये दिल से दुआ। तो तुम्हें क्या तुम तू जिए हजारों साल, तुम तो मेरी मरवे की दुआएं कर तो रहे। हजारों साल कोई नहीं जीते आजकल के, गेहूं चावल ऐसे नहीं आ रहे। दुआएं कर रहे हैं। अरे तो भैया ऐसे चावल भी नहीं आ रहे, गेहूं नहीं आ रहे, जो हजार साल जीवा दे। 70-80 साल से ज्यादा कोई जी नहीं पाए। हजार साल जी के खा करेगी हजार डा रही तो खुद को अजय ही है। तुमने पाली कम हो, तुमने पाली कम? अरे नहीं पाली तो कहा होगा, तुम्हें का टेंशन हो रही है, तुम्हें का टेंशन हो रही है। लड़ाकू विमान है तू, लड़ाकू विमान। अब नहीं जाइए, लड़ाकू विमान है। तो दोस्तों हमने मोदी जी के ऊपर एक गाना बनाया है और उसको हम गा रहे हैं, वो मेरी आवाज मधुर आवाज में और विद्या जी की मधुर आवाज में आपको एक गाना सुना रहे हैं, तो सुन लीजिए, शुरू करते हैं। ओ मोदी आएंगे आएंगे, मोदी आएंगे 2024 में खुशियाँ लाएंगे,
मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे। मेरे जन्म के दुख कम हो जाएंगे, मोदी आएंगे। माँ बहनों को सम्मान दिलाएंगे, मोदी आएंगे। ओ मोदी आएंगे तो बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, मोदी आएंगे तो बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। ओ मोदी आएंगे आएंगे मोदी आएंगे, ओ मोदी आएंगे तो दीपावली मनाएंगे, 2024 में दीपावली मनाएंगे, हैट्रिक मनाएंगे, 2024 क्योंकि में मोदी आएंगे। दीपावली मनाएंगे। मेरे जन्म के दुख सारे कटे जाएंगे, मोदी आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे तो मोदी की बात बता रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि जिन बहनों ने और जिन जिन बहनों ने 40 साल की बहनों ने और जो 50 50 साल की बहनों ने, पहले की बात कर रही हूँ मैं, उनने बैंक खाता नहीं देखा था और आज उन्हें कान जानी उम्मीद रहती है कि हमारी बैंकों में 1,250 रुपये आ गए होंगे और हम चले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई के बुरी लगे या अच्छी लगे, मुझे तो मोदी मतलब मोदी से अच्छा कोई भी मुख्यमंत्री लगता ही नहीं। मुख्यमंत्री नहीं है वो, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो सबकी रक्षा करते हैं, भला कुछ भी कह लो आप, लेकिन क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। उसमें किसी को बुरा लगे तो लग जाए। राम मंदिर बनवा दिया हाँ, उन्होंने। राम मंदिर बनवा दिया, अपने गर्व करना चाहिए उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया हिंदू के लिए। मैं तुमको बताऊं और क्या है, अपने वो फोन जाता है ना, कहाँ जाता है, 181 पे हाँ डायरेक्ट, भाई साहब डायरेक्ट मदद होती है डायरेक्ट 181 पे। मैं तुमको बताऊं और मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई हो या ना हो, कुछ मैं तो खुश हूँ क्योंकि हर महीना 1,250 रुपया मिलते हैं और बे 1,250 रुपया से मैं एक फ्लोट खरीदूंगी और हर महीना 1,000 रुपया दिया करूंगी, किस्त बांध लूंगी मैं हर महीना 1,000 रुपया। लेकिन मोदी जी है जो खाने पीने उड़ाने को पैसे नहीं देते हैं, वो देते हैं अपने सही काम में आप पैसे लगाइए। तो मेरा कहने का मतलब जी है कि मुझसे ज्यादा कोई दुखी होए और या फिर किसी को कुछ परेशानी है तो हर महीना मुझसे 500 रुपये ले सकते हैं और मैं उनके घर जाके देखूंगी कि ये बाकी में ही परेशान है। ऐसा करेंगी आप? हाँ मैं करूंगी ऐसा, ऐसा करेंगी विद्या जी? क्यों अपने कि 1200 में मेरे से पांच भगवान सौ ने रुपये देखो, देंगी मेरी दो हाथ दो पाँव दिए हैं और हो सकता है किसी के पास हाथ पाँव ना हो, वो अपन से परेशान है, तो मैं दूंगी उसको लिए मैं वादा करती हूँ भगवान तरफ, मैं हाथ करके कसम खाती हूँ उसके घर देख के आऊंगी, वो बाकी में ही परेशान है, उसके लिए मेरे 1,250 रुपये में से 500 रुपये उसको मैं दूंगी। चलिए धन्यवाद आपका। अरे तो भैया शुरू शुरू में तो तनक बहुत परेशानी आते यार। अच्छा नहीं यहाँ इतनी परेशानी कोई नहीं, यहाँ इतनी परेशानी, यहाँ तो आदमी आगे नहीं बढ़े। अरे तो अब फोन आ रहे हैं यार, अपन क्या कर सकते हैं यार, कोई के फोन आ नंबर रहे। कोई ही मत दो, जो अपनो मेन मेन इंसान है जो अपन से अच्छे से बात करते हैं उनके लिए नंबर दो, वो भी नंबर ऐसे दो को मतलब मैं लाइव में मत दो नंबर का, कोई नंबर नहीं मिले, अपन तो आदमी की हंसी की वो बन गए। मुझे ही समझ में नहीं आ भाई, ये मुझे ऐसे पैसा नहीं चाहिए नमो ऐसे, तो तुम तो काम करो आराम से और वो करो, मैं तो बहुत टेंशन हो अब इतने मुकाम पे पहुंचे। एक बात तू हमें अरे कई बार कहते हैं मुकाम 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 नहीं तो कहाँ करेंगे पैसा, और कहाँ ले जाएंगे, सब एक दिन यही रह जाए हैं। अब तू दुश्मनी से काट अरे दुश्मनी कोई बात मार रहा होगा दुश्मनी वाली बात नहीं है, जिनकी कोई औकात नहीं है वो आदमी अपन सब बोल रहा है, पहले ऐसे आदमी नहीं बोलते अपन से, पहले अपन से ऐसा आदमी बोलते ना अब थोड़ा थोड़ा दो चल देते, लेकिन अब क्या है मजबूरी है ये, मैं तो मैं बताऊं और तो मेरी बात करात नहीं है, मेरे बारे में कोई ना किए भैया, तुम्हारे बारे में कोई कह चुकी बारे में मतलब नहीं। अरे यार मैं क्या करूंगा यार भाई, यार अब इतने मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं कभी चैनल बंद कर दूं। आदमी क्या है ये नहीं सोचा कि अपने घर में माँ बहने है ये, कि अपनी माँ बहन के बारे में कोई कह चुकी हो तो अपने कैसे भी लगे हो, मुँह तो बहुत टेंशन हो गया। मैं सही बात बताऊं ना, मैंने ऐसे नहीं सोची थी इज्जत कमा भी लान तुमसे शादी करी थी, तो इज्जत नहीं मिल रही, इज्जत का इज्जत मिल रही है, जाना ही आ रहा है का बना ही आ रहा है,
कक्का ले भी आ जाए तो मुख्यमंत्री बन गए, तुम्हारी सेल्फी ले भी जा रहा है, अरे तुम्हारे 25 भी रट गए तो माओ हमारे घर सेल्फी ले भी, हर कहीं उठा का मुँह चल दे, हर कहीं उठा का मुँह चल दे, मुंह मत ले जाइए भैया तुम, आप कहता हूँ ना मैं जाऊँ कहता हूँ ऐसे होते का यार, तू तो ऐसी घटिया बातें करते हैं ना यार, यूट्यूबर तुम बन रहे हैं दुनिया में रोते काय कर रहे हैं, काय में दुनिया में रोते, अब आदमी बुला रहे हैं सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, उनको बाप पेट्रोल डरा रहा होगा तो हम वहां से चले जाए, पेट्रोल भरते 500 को तो भी कहेंगे फिर फॉलो कर देंगे हम, इज्जत वाले आदमी ऐसे रहते देख लो, गोलू बैरागी बेचारे ने कितना मान सम्मान दिया है, 500 को पेट्रोल दिया है, और नेक पहुंचो अशोक नगर में, चलो भाई साहब बस दुकान पे, चलो भाई साहब बस, अरे क्या है, है? अरे तो भाई सेलिब्रिटी तो ऐसे ही होते यार, तुम बनो सेला बेटा, मैं कछु नहीं बनू तो मैं कम अन्य सेला बेटी बनने के सेला बेटा बनने मुंह से बच के ही हुई, तू डरते का यार, मुंह कोई नहीं पीटे वालो, मुंह पसंद नहीं है, मुंह नहीं है कोई पीटे वालो, पीट दी वाक दुख नहीं है, तुम में भले कोई चटापट दे दे मुंह बस मतलब नहीं है, चटापट दे दी दे 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 तो का तुम काम ही इस कर रहे हैं, काय का 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 दे रहे नंबर कुत्ता ने नंबर का दे रहे तुम, जब मैंने तुमसे 25 बार मना करिए कि जी की अटकेगी ना, वो 50 जगह पूछे है वो पूरी गुनाम पूछ के अपने घर आए, वो जब बात सेल्फी चाहिए तो भाई साहब बमूरी आ जाइयो, हाँ आराम है भाई साहब, अशोक नगर आराम है, जब अगाली काबिला तुम काम ही करते गाली, जब तुम नहीं जा रहे तो आदमी सेपरेट क्यों ना, कि भैया मैं क्यों आऊं, मेरे फालतू को पेट्रोल लगूंगा, तुमने अम्मा कर दी ये कर, 1 लाख रुपया भी तुमने ऐसी की चेंसी कर दी, अब तुम 1 लाख रुपए कमा दे मुझे, अरे मैंने सोची थी यार कि यूट्यूब अच्छी पैसा देखो, पर यूट्यूबर ना बन के अब गधा बन गए, गधा से तुम बुरे बन गए, अब बाहर भी नहीं जा पाऊंगा, कोई कार्यक्रम तक अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये तो उनको फोटो जा रहा है तो हर जगह वीडियो पर छाती भी चढ़ चढ़ बैठे होते हैं सेल्फी ले बारे आदमी, ये सो मुँह पसंद नहीं है भैया, तुम तो वीडियो बना रहे हो ना तो ढंग से बनाओ, नहीं बना रहे हो ना तो दुनिया में रोते मत फिरो, अब बंद करेंगे तो कछु नहीं मिले हो, तू तो करेगी जनता काय का बुरे कर्म करेगा, तू तो करेगी जनता, थोतरो मिड़ दूंगी एक हाथ को मेरे सामने तो खेब है, मैं तुम्हें बताऊँ कोई तो मेरे सामने नहीं खेब है आदमी, मेरे सामने के ना तो मैं सही करता हूँ, मेहनत कर रहे तुमरे गाय नहीं कर रहा चोरी चोरी चुपके चुपके, अरे यार आप नाराज मत हो कर, नहीं चल रही तू कहीं, कौन नहीं चल रही, मैं कहीं रोते नहीं फिर यार, रोते फिर भी रोते फिर बस बुरो है वो, जो गेरे को पेट्रोल मारो इनके धक्का ले ऊपर सब इनके पसीना में जाओ, एलर्जी अपनी खत्म करो, पर यार ऐसा काम चले हो फिर वो चैनल गिरो नहीं हो, अब हाय में जा रहे तुम्हारे चैनल, किस्मत में हो तो जाओ नहीं हो तो नहीं हो, अब किस्मत पे आ गई तो कैसे आए वो पैसा, नंबर बदलो खाते में कौन सा नंबर है वो नंबर रखो, बाकी सबरे नंबर बदलो, वो कोई नंबर तुमने दे दो ना तो मैं एक आध दिन में मर जाऊंगा, सुन लो मेरे खिलाफ कोई फालतू बात कर रहे हो ना तो मुंह बहुत गुस्सा आता है, अरे यार नंबर बंद कर दूं फिर, अपने रिश्तेदार हैं यार, रिश्तेदार वाले हैं अपन भी यार, समझो यार आदमी चाह कोई जिनकी अजवान की खुशबू नहीं निकली, इधर 10 साल के मुँह मोड़ी गारे बकरे हैं, उनके माँ बाप ने उन्हें यही संस्कार दिए हैं, बेजा भी नहीं डरा है कोई आदमी अपनी रिपोर्ट डाल दे वो तो अपनों कौ हो, हैं उन्हें शर्म ही नहीं आ, वे तो मेहनत कर नहीं रहे, हंसी उड़ा रहे ही इजड़न भाई हंस रहे, अरे यार अब बता यार मैं क्या बताऊंगा, मैंने गलती कर दी इंस्टाग्राम पे पेज बना के, यार जमाना बना रहा हो इंस्टाग्राम पे पेज, इंस्टाग्राम से कोई मतलब नहीं है ना कोई खराबी है, गलती अपनी अपने खा जाता है, नंबर ले भाई मेरो मुंह से बात कर तू का कलेक्टर है खा अरे तो अब वो ऐसी बोल रहा तो मैंने कह दी नंबर ले भाई मेरा, अरे बोल अंदो कोई बोल रहा हूँ ना भैया तू कहे हो मैं जहाँ हूँ, तू एक बाप की औलाद है तो भाई रुक, अरे आजकल वारदात कोई पसंद नहीं करे, मैं तुम्हें बताऊं ना कोई मारे किसी को और मानना होगी तो घर में ही कर दे, तो भैया मैं कौन मेरे से झगड़ा कर रहा हूँ भैया, खुद ही यार गलत गलत बोल क्या करते हैं, मैं जाके तुम बेस क्या करते हैं, बेस कर रहा हूँ मैं तो बेस करते हैं, एक बात तुम 25-25 बेर के लाइव नहीं लाइव शुरू भाई 7 बजे की और उनकी ठटरी बंद वो शुरू भाई, उनकी संगत तुम बन गए, मैं डरूंगा कोई से,
चलू का मैं कोई से जो नंबर ना दू यही है तो तुम्हारी खा जाता है तुम्हें कहानी खाए कड़ाई खा जाते तुम्हें कहानी तो भी नंबर इसलिए दाओ के फोन पे गाली बक के बता बता तो रहे फोन पे गाली बका एक भाई एक मोड़ा गाली बक रहा कल मो यार 12 साल हाँ तो वो होगा तुम रोई अरे वो क्या कह रहा हो फोन पे गाली बक के बताऊ मैं बता दे भैया तो फोन पे गाली बक के बता रहा हूँ उनकी संस्कार जी है ना संस्कार बच्ची के संस्कार माँ बाप से देखते हैं आज भले मैंने भी मनपसंद करी शादी और मैं गुनाह में रह रही हूँ मेरे बच्चे कभी किसी से गलत नहीं बोलते हैं क्योंकि ऐसी हमने शिक्षा नहीं दी और तुम्हारा सोनों भी पड़ो रहे हो ना इतनी मुझे मेरे बच्चे पर गर्व है 18-17 साल का लड़का होगा या मेरा खुद का अभी तक किसी की शिकायत नहीं गई क्योंकि मैं खुद उसको कोई बात की कमी नहीं रख रही तो वो क्यों ऐसा काम करेगा और मैंने उसको समझा रखा है तो बेटा कभी भी किसी से गलत मत बोलना कोई दो के तो वरा सुन के आ जाना और तीसरी बार के तो मुझसे बोलना अरे माँ तेरी जिंदगी है मैं तुम्हें बताऊँ और आज मुझे फायदा नहीं उठा कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था अपन कुछ भी कह दें कुछ भी नहीं कह पाओगे तुम और मैं घर में घुस के तुम्हें चटनी बनाया हूँ ठीक है अब ठीक है अब मैं नंबर बंद कर लाऊंगा बस टेंशन मत ले तू तो वो तो भैया क्या बताएं बहुत ज्यादा परेशानी है ऐसे पैसे नहीं कम है मैं इंस्टाग्राम पर पेज बना के ही पछता रहा हूँ बात पैसन वारी नहीं है यार पैसा 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 क्या है पैसा हाथ पांव टूट गए का हाथ पांव टूट गए हाथ पांव मैंने सोची थी आड़े पड़े पड़े पैसे मिल जाओ करेंगे पर वो तो परेशानी हो गई आड़े पड़े पड़े बात करे भी कोई सब सवाल नहीं है कब बात कर रहे हैं का बात कर रहे हैं तो मैं कहा सब सवाल है वो तू तो मुझे चुनाव करते 17 बात है बात करते को सब सवाल नहीं है तुम्हारे वजह से आज मैं किराए से आ गई आओ किराए से आ गई हम भी 17 सुन रहे हैं 17 की किराए से आ गई दोस्तों आज हमने एक नया गाना बनाया है मोदी जी के लिए तो उस गाने को पूरा सुनिएगा जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है और गाने में के बोल भी सुनिएगा चलिए विद्या जी गाना शुरू करेंगे विद्या जी जरा सुनाइए विद्या जी जरा 2 मिनट के लिए चल फिर भाई 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 एक वो अपने गाना बनाया था वो वाला तुम्हें कसम मेरी चलो गा दो गाना विद्या जी गाएंगी अब यार बहुत सुंदर गाना अभी थोड़ा सा टेंशन में है विद्या जी नाराज है और विद्या जी अभी थोड़ी देर बाद मूड सही हो जाएगा नहीं मैं बाद में सुनाऊंगा मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा विद्या जी को चलती अगली घुमा लाऊं तो प्रभु के दर्शन करा लाऊं तो अच्छा लगने लगे वो चलें चलो चलें चलो ठीक नहीं चलें चलो जानू चलो 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 उस चलो जान चलें चांद के पार चलें बुढ़ापे में चलो चांद चले चांद के पार चले चलो हर बार चले चांद के पार चले मेरी मम्मी स्वर्ग में आई मेरी मम्मी मुझे बहुत लक्षण सुना के गई है का गलत कह रहा हूँ चांद पे पार ही ले जा रहा हूँ तुम्हें चलो दिलदार चले चांद के पार तुम्हारे हो गई तो मैं हर बार बाहर ले जाए कोशिश करता हूँ भैया रे तुम टेकरी पे हाथी लगवाया है कहूँ की भैया रे तुमने वहां पे आना है जहाँ पे आना है अरे तो भैया मैं चांद पे पार ले जा तो कोई जाता ही नहीं मेरे संग तुम नहीं ले जा सके गुनाह में चांद की पार की बात कर रहे हैं बाप जाए मैं हाथी लगवा लेगा तो बस चली गई ना चांद की पार अब मैं तू रह गई है तो उसमें शादी करिए तो मैं तो उसने कहूँ चलो दिलदार चले चांद के पार चले चलो हर बार चले चांद के पार चले चलो चलो चांद के पार चले तू कहाँ नहीं जा रही मेरे संग चांद के पार आज चांद के पार चले लक्षण नहीं है दो कौड़ी के खाए लक्षण नहीं है मुंह में यार लक्षण ही लक्षण भर रहा है पूरा कूट कूट के लक्षण भर रहा है मेरे अंदर जितने लक्षण है कोई के अंदर नहीं है इतने लक्षण भाई भाई बंद कर लो तो व्हाट्सएप पे कॉल लगाते हैं आदमी कहा कौन की रोटी नहीं पच रही ना एक बात समझ नहीं आ रही कि मुझे इतने फोन कहा लगा रहे यार मन से आदमी मकूले करते हैं अपनी जीजे मुल्ला मुल्ली गुनाह के आदमी नहीं है मैं तुम्हें बताऊं
और कहता हूँ कि मर रहे हैं, जो उनकी जल रही है ना वो उनकी बंद रही है आटी से, वे मर रहे हैं। अरे तो भैया मैं थोड़ी बिन से कह रहा हूँ तुम काय मर रहे हो, तुम्हारे खुद की बनाओ ना वीडियो यार। खुद भी ये तो कर नहीं सके तो कहाँ से बनाओगे खुद की, बिनियात नहीं है तो तू नाराज मत हो, चला बन तुम्हें तो घुमा लाऊ कि तुम अच्छे अच्छे स्थान पे भगवान के स्थान पे चलना, चल तू नाराज मत हुए, तू नाराज हो तो फिर मेरे का काम कुछ चैनल पे मैं बंद ही कर दूंगा और ही, चल तू नाराज मत हो, दुखी मत हो यार, मैं नंबर बदल लाऊंगा बस, टेंशन मत ले, चल तो टेकरी घुमा लाऊं मैं भगवान के दर्शन करा रहा हूँ, चल भगवान से प्रार्थना कर लें। और अब इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल बंद कर दूंगा मैं, कहा कि इंस्टाग्राम पे बेकार गाली गाली पड़ते हैं, अपन तो यूट्यूब पे मेहनत करेंगे, कोई जुड़ने हो तो जुड़ जाए वो यूट्यूब पे, कहीं भाई से अपन पैसा मिलेंगे, रो मत ही तू, रो मत ही यार, टेंशन मत ली, ठीक है। अब मैं है ना फोन नंबर बंद कर लाऊंगा, कोई की गाली के नहीं खाऊंगा ना, भैया कोई से कहूँगा कि भैया तू गाली बैक और तू निपटने है तो तू हमें घर में घुस के मार जा, बस अफसोस मत करे तू, टेंशन मत ली, तेल ला प्यार करने के लान खुशी देवे के लाने तू मेरे। अरे यार बात अफसोस वाली नहीं है, आदमी अपन वैसे भी यार करेंगे फालतू में ये पैसा कमा के नहीं, दुनिया रह रहा है जिनके चार चार मुंह मुड़ जाएंगे बेकरा ऐसे रह रहे हैं, बढ़िया तो रह रहा है अपन, बढ़िया तो कट रही जिंदगी, तुम सिलाई करते ही है, मैं पार्लर सीख भी जाता ही हूँ, मैं तो पार्लर चला लूंगा तुम सिलाई कर ले, बस और क्या चाहिए इंसान को फालतू, अपने क्या है अपने गुनाह के आदमी उठाए ही रहेंगे, और अपने ये देश के भी क्या है कोई की तरक्की देखो पसंद नहीं कर रहे, वो बाहर के आदमी जो वीडियो बना रहे हैं उन्हें खूब लपक लपक के देख रहे हैं, काहे के ऐसी बेइज्जत की वीडियो बना रहे हैं, और अपन इज्जतदार वीडियो बना रहे हैं वह उन्हें पसंद नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं, जबकि अपन सबसे कितनी इज्जत से बात करते हैं, भैया से भैया, भाभी से भाभी है, भाई साहब से भाई साहब, लेकिन आदमी अपन मट्टी पूरा समझ रहे हैं, जिस दिन कहूंगी गुनाह के आदमी ने खेदा ही ना ऐसी, मैं बाप कसम वही दिन चैनल छोड़ दाऊंगू, और बाकी अगर मैंने अगर जी एक एक ईंट नहीं भगवा दी ना, मेरे ना विद्या नहीं है, तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, जब तक कर रही हूँ कि ठीक है, अब कोई इंसान से गलती हो जाते है, कोई इंसान मजाक में कह देते हैं, बवारी बात नहीं है, क्योंकि मैं अपन ऐसे पैसे को क्या करेंगे बताओ आप, जिसमें मतलब मैं आदमी चाह कछु कह रहा है, जबकि कछु वो नहीं है, जान बूझ के कह रहा है, मैं तो मैं बताऊं, वो तो जिस दिन मेरी सर के ऊपर पानी चला गया ना, उस दिन अब आए इतनी मारे वो रोड पे कि बाकी मम्मी पापा सबरे याद करेंगे, मैं तो मैं बताऊं, और फिर मैं देखती हूँ कि पुलिस कैसे नहीं सुना है, फिर मैं पुलिस से भी देख लाऊ कि क्यों सुनवाई नहीं हो रही इंसान की, वो दे मुंह तो मालूम है किधर मर्डर हो जाता है किधर, तो 25-30 मिनट बाद एक घंटा बाद पुलिस जाती है तो उन्हें वो थोड़े वो आदमी जिंदो रहे हो ना, वो आदमी वो भी मर जाए, क्योंकि पुलिस सुनती नहीं है, और सबसे ज्यादा ढीली पुलिस है गुनाह की, चार बार रिपोर्ट हो गई, एक बार उन्होंने सुनवाई नहीं करी, वो तो मैं गई नहीं हूँ तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही, काय की वजह से, अपन सेलिब्रिटी आदमी है जी, क्यों किसी की रिपोर्ट डाले, क्यों किसी भविष्य कह लो कोई केस है, मैं तो मैं बताऊं, इसलिए मैं सहन पर सहन कर रही हूँ, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, चाकू की गाली खा रहे हैं, लात दूंगा ना तो दीवार में सेट हो जाओ एक आध जन, बोल मैं केत नहीं हूँ कचू के, ठीक है अब तुम बात हैंडल कर रहे हैं, कोई भारी बात नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रही, जब तो यार कचु नहीं हुआ, मैं देख अपन तो देख कुछ दिन और 2-4 महीना और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है 2-4 महीना हम कचू प्रोग्रेस नहीं मिली तो अपन बंद कर देंगे, वापस सिलाई करने लगेंगे, तुम तो इंस्टाग्राम पे लाभ लाभ माए मत आया करो, इंस्टाग्राम से अपने कोई लेना देना नहीं है, और अगर लाइव आओ ना तो कोई फालतू बात कर रहा है उसे ब्लॉक कर दो, उसका नहीं तो कमेंट आन दो ना, एक बात बताओ, आज मैं तुमसे गलत बोलूंगी तो चार आदमी तुमसे ही कहेंगे ना कि यार भाभी तुमसे कुछ नहीं कह रही, भैया तुमसे कुछ नहीं कह रहा, फिर भी तुम भैया को चार जैसी बोल रहे, जो कोई गलत बोलता है उसको चार आदमी डांटते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी आदमी अपन से गलत बोल रहे हैं, कोई अपनी हेल्प भी करता है, कोई अपनी सपोर्ट भी करता है, वही चार आदमी वही सब बोलेंगे, अगर तुम आ रहे हैं ना लाइव इंस्टाग्राम पे तो उसको जवाब मत दो, जो सोहरिया जैसे मोड़ो मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, काय की बेइज्जती हो रही है यार, हमेशा बेइज्जती करते मत करो ना यार, तुम नंबर काय दे रहा है दुनिया ने, कक्का ने बता, का होगा काय बनना रही है,
जीव रही, तुम्हारी फोन की कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अरे तो कहा करे यार, वो नंबर भटकाओ यार, इसकी नंबर भटकाओ यार, ऐसा कोई नंबर नहीं बात है। और भी यूट्यूबर है, वो के पास फोन जाता है कहाँ है। लेकिन तुम्हारी भैया गजब ही हो रही है, ऐसा भी बेस कर रहे थे, तुम बेस कर रहे जैसे कैसे तुम यार यूट्यूबर चला रहे हैं। मैंने जी सोची थी भैया वीडियो बनाए, इनकी अच्छी शांति से मैं इनकी बढ़िया वीडियो बनाऊंगी, मैंने जी नहीं सोची थी कि जगह जगह दुश्मनी हो जाएगी हैं, अच्छो नहीं लगे हैं। जिन्हें छूछबो नहीं आ रहा हो, वे आदमी पालतू बोल रहे हैं। मैं कहूँ कि मुँह से बात कराऊ करो, ये कहते तो सरिया तो चल दू। अरे तो आज भैया आ रहा, बच्ची है अभी नहीं माने, अभी गाली बक दी तो मैं क्या करने लगूं। मत उठाओ फोन,